पति नूं मरिया वेख पत्नी ने सत्तवीं मंजिल तो छाल मारती अते अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। तीन महीनों पहला ही दोहां दा विआह होया सी। बड़ा ही पेचीदा मामला सामने आया है जिथे चिड़ियाघर घूम रहे इस जोड़े दे विचों पति नूं हार्ट अटैक आ जांदा है, जिस करके उसकी जान चली जाती है। जब घर उसकी लाश लियांदी जांदी है तो नव व्योता आपके पति की लाश ना देख सकती है ते वह सीधा जाके सत्तवीं मंजिल तो हेठां छाल मार दिंदी है। तो देख सकते हो कि ऐसा भी प्यार हुंदा है इस जहान दे विच, हाले भी मौजूद है कि पत्नी अपनी पति का मरिया मूँह नहीं वेख सकी, वो ये सदमा सहन नहीं कर सकी ते उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तो गाजियाबाद के थाना कौशाम्बी तो ये मामला सामने आ रहा है जिथे 25 साल के अभिषेक आलूवालिया घूमन वेले हार्ट अटैक आ जाता है। अभिषेक आलूवालिया प्रॉपर्टी डीलर सी ते गाजियाबाद दे विच ही उसका अज तो 3 महीने पहला अंजली नाम की कुड़ी दे नाल विआह होया सी। हाले हथों चूड़ा भी नहीं उतरिया सी अंजली दे के उसके पति की मौत हो जाती है, वो ये दुख ना सहार सकी ते उसने सत्तवीं मंजिल तो हेठां छाल मार दिती। जो हस्बैंड था उसका कहते हार्ट अटैक आ गया, उसे वो खत्म हो गया तो उसको अभी लेकर हॉस्पिटल से जस्ट लेकर आए थे, थोड़ी उम्र हुई उसके बाद एकदम से वो भागी तो मैं समझ गई कि ये कूद जाएगी ऊपर से, मैं उसके पीछे पीछे भागी, उसको पकड़ना भी चाह रही मैं पकड़ नहीं पाई, वो एकदम नीचे कूद गई। जो ये लोग कहाँ गए थे घूमने के लिए? चिड़ियाघर घूमने गए हुए थे, वहीं पर उसको सीने में दर्द हुआ लड़के के। आप क्या लगती है लड़के को? लड़के कितने बजे घटना है? कितने बजे घटना है? ये 3:30 बजे करीब उसको अटैक आया है। और जो महिला पहले तो यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री मिला है, उन्होंने रेफर कर दिया सफदरजंग, फिर ये लोग सफदरजंग ले गए उसे। जो महिला कूदी है वो कितने बजे कूदी है लगभग? वो करीबन 9:15 बजे करीब। अभी क्या हुआ, थोड़ी देर पहले जो उनका एक्सीडेंट है अभी से गालू वाली है तो उसे अटैक पड़ा था। हम लोग गए थे सफदरजंग तो वहाँ से बॉडी लेके आए, पहले ये लोग सब वही थे, इन्हें पहले दूसरी गाड़ी भेज दिया, हम लोग एम्बुलेंस से आए, आने के बाद जैसे ऊपर ये देखे उसे बच्चे को, उसके बाद सब बैठे अपना, अचानक ही उसे पता क्या हुआ कि बालकनी में गई कुर्सी रखते ही एकदम नीचे पकड़ी, कुर्सी नहीं गई सामने मगर नहीं पकड़ी गई, नीचे गिरा 7 फ्लोर से। क्या लगती हैं आपके रिश्ते में? मेरी बहू है। अच्छा, और दिल्ली गए थे ये लोग घूमने, ये बताया जा रहा है? ये जो गए थे घूमने के लिए, अचानक उसके वहाँ पे पेन हुआ तो उसने अपने दोस्तों को फ़ोन करा, वैशाली में रहते थे दोस्त, उसके वहाँ पे गए तो उसके बाद पहले ये लेके आए यहाँ पे गुरु तेग बहादुर, तो उन्होंने मना कर दिया कि आप वहाँ पे ले जाओ सदन ले जाओ, तो मेरे पास फ़ोन करा इन्होंने, तो मैं भी फिर वहीं गया सदन गया। सदन जाने के बाद तो मैं डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर साहब कह लगे हमने काफ़ी कोशिश करी है नहीं बच पाई, उसके बाद वहाँ पे काफ़ी वेट करने के बाद फिर हम लोग अपने घर ले गए आगे वापस। आने के बाद जैसे ही ऊपर हुआ सब रोना सब पता है, अचानक उसे क्या हुआ वो 7 फ्लोर से नीचे जब मार दिया उसको, अचानक ही अटैक पड़ा है और कोई 5:30-6 बजे के टाइम। ये कब की घटना है? ये कल शाम की। कहीं सुनने में आ रहा कहीं घूमने भी गए हुए थे? ये चिड़ियाघर गए थे सुबह घूमने, चिड़ियाघर बंद था तो उसके बाद इसकी तबीयत खराब होने लगी, उसके बाद हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल वालों ने कह दिया कि इसको अटैक पड़ा तो वहाँ वहीं पर फिर ये उन्होंने दूसरा हॉस्पिटल में मतलब रेफर करा, उसके बाद दूसरा हॉस्पिटल में देख दाख करके उन्होंने कह दिया ये ख़त्म हो गया, कोई 5:30-6 बजे के टाइम ख़त्म हो गया। अच्छा, जैसा आप बता रहे हैं कि काफ़ी हसमुख इंसान थे, काफ़ी बहुत अच्छा लड़का था, सबसे गुड लड़का था, रोते इंसान को हंसा देता था, ऐसा बच्चा था ये हमारा। कल दिनांक 26 फरवरी को रात्रि 10 बजे कौशाम्बी थाने को एक सूचना प्राप्त होती है कि उसकी वैशाली चौकी अंतर्गत अल्काइन सोसाइटी निवासिनी अंजलि नामक महिला जिनकी उम्र लगभग 23 वर्ष है ने 7वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया है। मौके पर जब कौशाम्बी पुलिस पहुंचती है और अधिक जानकारी करती है तो यह पता चलता है कि इनके पति जिनका नाम अभिषेक है और वो एक एनजीओ में कार्यरत थे, ये पति पत्नी एक चिड़ियाघर घूमने गए थे, वहां पर इनके पति की अचानक तबीयत खराब होती है और उनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है और पत्नी घर आ जाती है, बाद में पति की हॉस्पिटल में मृत्यु हो जाती है। उसके उपरांत पति का शव जब घर पे आता है तो अपने पति के शव को देखकर यह महिला ऊपर से छलांग लगा देती है। रात में इनको मैक्स वैशाली हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, रात्रि में इनकी हालत नाजुक थी जिसको देखते हुए इनको सफदरजंग हॉस्पिटल में रेफर किया गया था। आज सुबह यह सूचना प्राप्त होती है कि इनकी भी मृत्यु हो गई है, आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।